हेलो मम्मीज एंड डैडीज़, वेलकम टू मॉम्स किड्स केयर। जन्म के बाद बेबीज़ को कब से ऑयल मसाज करना चाहिए, कौन से तेल से ऑयल मसाज करना चाहिए, और काफ़ी बच्चों का देखा जाता है जन्म के बाद मसाज के बाद थोड़ा कलर डार्क होता है, वो किस लिए होता है और वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं, आज का वीडियो उसी के ऊपर। सब्सक्राइब करें मॉम्स किड्स केयर यूट्यूब चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और हमारा लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। पहला तो जन्म के बाद बच्चों को, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो उसके बाद ही आप ऑयल मसाज स्टार्ट कर लें। मैं जब डिस्चार्ज हुई थी तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जो नाभि होता है बच्चों का वहाँ पर मसाज नहीं करने के लिए, तो मैं समझी थी कि बच्चों को ऑयल मसाज नहीं देना चाहिए कब तक जब तक वो नाभि ना गिरे। तो उस टाइम तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कौन सा ऑयल में मसाज करना है, कब से ऑयल मसाज करना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं तो आपको बोलूँगी जब आप डिस्चार्ज हो उसके बाद से ही आप ऑयल मसाज स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और जो नाभि का पोर्शन है वो जगह को ऑयल टच मत कराइए, बाकी सब जो जगह है उस पर आप ऑयल मसाज कर सकते हैं, और दिन में दो बार सुबह और शाम को एक बार जैसा भी करके बेबीज़ को ऑयल मसाज कराइए, ये बहुत ज़रूरी है। उनका बोन जो है वो स्ट्रांग होता है, मसल स्ट्रांग होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, और बेबीज़ जो बोला जाता है ऑयल मसाज करने के बाद अच्छे से वो सो सकते हैं, तो इसीलिए आप जैसे भी करके बेबीज़ को दो बार ऑयल मसाज करिए। अब बात करते हैं कौन सा तेल यूज़ करें। तो पहले तो अगर समर है या बारिश का मौसम है या विंटर है, तीनों मौसम में आप कोकोनट ऑयल जो है वो आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है। और जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत पतला होता है, उसका टेक्सचर उतना थिक नहीं होता, इसीलिए आप बेबीज़ को लगा सकते हैं। आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या जो प्योर कोकोनट ऑयल जो पतंजलि का आता है या पैरासूट का आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब रूहानी को मसाज कर रही थी उस टाइम मुझे मेरे नेबर से प्योर राई का तेल मिला था, उसको मैंने करीब 20 दिन यूज़ किया था, और राई का तेल थोड़ा थिक होता है तो इसीलिए वो क्या होता था ना, उसका स्किन थोड़ा डार्क होने लगा। तो उसके बाद मैंने ऑयल चेंज किया था, और मैं हिमालय का एक बेबी मसाज ऑयल आता है वो एकदम, प्राइस भी उसका अच्छा है, वो भी बहुत पतला रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने करीब डेढ़ साल तक यूज़ किया, उसके बाद अभी मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और कोई कोई प्रीफर करते हैं ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल होता है वो भी पतला होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलिव ऑयल से बेबीज़ को एलर्जी हो सकता है, कोई कोई बच्चों का स्किन को सूट नहीं करता। मेरी बेटी का सेंसिटिव स्किन है, तो कोई कोई बच्चों का ड्राई स्किन होता है, किसी का सेंसिटिव स्किन होता है, सबको ऑलिव ऑयल सूट नहीं करता। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि बेटर है जो बच्चों के स्किन को सूट करे वही वाला ऑयल यूज़ करें। तो बेबीज़ बहुत छोटे होते हैं इसलिए रिस्क लेना कहीं से भी मुझे समझदारी नहीं लगता, तो इसीलिए बेस्ट है आप स्टार्टिंग से आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। उसके बाद आता है जैसे डाबर लाल तेल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, देसी घी हुआ, ये सब आप बेटर है एक साल के बाद ही यूज़ करें। जो डाबर लाल तेल होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा उसका इंग्रेडिएंट्स भी आप देखेंगे, कपूर बहुत सारा चीज़ उसमें डाला रहता है, और वो बेबीज़ का स्किन को थोड़ा डार्क करता है। लेकिन ऑयल बहुत अच्छा है बेबीज़ के बोन्स के लिए, उसका स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जब बेबीज़ क्रॉल करने लगे उस टाइम आप उसको मसाज कर सकते हैं, लेकिन फेस को छोड़ दीजिए, जो मसल्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको क्रॉल करते हैं, इसलिए आप लेग्स पे, हैंड पे, नीज पे, उन सब एरिया में, बैक में आप मालिश आराम से कर सकते हैं जो डाबर लाल तेल है। और रहा मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी बेबीज़ को बहुत डार्क करा देता है, इसलिए छोटे बच्चों को यूज़ ना करें। अगर बेबीज़ को सर्दी है, सर्दी जुकाम है, तो आप क्या करें, ऐसे हथेली पे, पाम में, पैरों में और पीठ में, जो बैक में, उनको मस्टर्ड ऑयल मसाज कर सकते हैं, और उनके चेस्ट में मस्टर्ड ऑयल यूज़ ना करें। अगर कफ है तो बोला जाता है कि कफ को पिघलाने के लिए या देसी घी उसको यूज़ किया जाता है, चेस्ट में लगाते हैं। अगर कफ है तो, कफ अगर बैठ गया है तो उसको पिघलाने के लिए, नहीं तो अगर हल्का सा सर्दी जुकाम है, नाक से पानी बह रहा है, तो आप आप थोड़ा सा गर्म करके जो मस्टर्ड ऑयल उसको आप बेबीज़ के पाम में, फीट में और बैक में आप मसाज कर सकते हैं। जब
अब मसाज के बाद बेबीज जैसे 10 दिन गया 20 दिन गया थोड़ा स्किन उनका डार्क होते रहता है, ये हो बच्चों का जो स्किन कलर है वो चेंज होते रहता है, उसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है, बाद में स्किन कलर चेंज हो जाएगा। वो ऑयल के वजह से होता है, कोई कोई ऑयल के वजह से, जैसे डाबर लाल तेल हुआ, अब जब बेबी स्क्रॉल करने लगे तब यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ उसको तो यूज़ ना करें, खाली सर्दी के टाइम यूज़ करें, और अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं या अच्छा सा कोई हिमालय जो बेबी मसाज ऑयल है उसको यूज़ कर रहे हैं, या ऑलिव ऑयल भी अगर यूज़ कर रहे हैं अगर आपके बेबीज़ को सूट कर रहा है तो। जब भी आप मसाज करें बेबीज़ को, सुबह हो या शाम में हो, सुबह मसाज करने के बाद उनको अच्छे से नहलाइए, जो ये पोर्शन रहता है नेक का पोर्शन वो बेबीज़ के ऐसे फोल्ड होकर रहता है, इसीलिए यहाँ पर मैला जम जाता है, ये पोर्शन में मैला जम जाता है, और ये जो हाथ ये बीच में फीट में ये सब एरिया में क्या होता है जम के रह जाता है, मैला जम के रह जाता है, इसलिए निकलता नहीं है, इसलिए ये पोर्शन का अच्छे से साफ करिए। और शाम को भी जब आप मसाज दे रहे हैं बेबीज़ को तो आप क्या करिए, अच्छे से कॉटन के कपड़े से थोड़ा वार्म वाटर लेके अच्छे से बेबीज़ को साफ करिए, तो इससे क्या होगा मैला जमेगा नहीं और बेबीज़ का स्किन डार्क नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बेबी का स्किन डार्क होने का। तो आप मसाज के बाद अच्छे से बेबीज़ को साफ़ करिए तो जो मैला है जमेगा नहीं और बेबीज़ का स्किन उतना डार्क नहीं होगा। और अगर आप ये सब अच्छे से कर रहे हैं फिर भी बेबीज़ का स्किन थोड़ा डार्क हो रहा है, घबराने वाला बात कोई कुछ भी नहीं है, बेबीज़ का स्किन चेंज होते रहता है, जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे 3-4 महीने के बाद उनका स्किन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और बेबीज़ के स्किन पे फेस पे पाउडर मत लगाइए, उनका स्किन मॉइस्चराइज होना चाहिए, और ऑयल मसाज तो जैसे भी करके ज़रूरी ही है बेबीज़ के लिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दूसरे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, और बेबीज़ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।